मुद्रास्फीति का प्रभाव खर्च पर भी ऑन एक्सपेंडिचर। मुद्रास्फीति खर्च के दोनों ही प्रकारों उपभोग कंजप्शन और निवेश इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करती है। जाहिर सी बात है, आप जितना खर्च करेंगे मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप, उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, उतने प्रोडक्शन होंगे उतने ज्यादा लोगों को वो मिलेगा, सेवा मिलेंगे, वस्तु मिलेंगे। तो दाम बढ़ने से हमारे उपभोग का स्तर नीचे आता है। जाहिर सी बात है, आप जो एक किलो भिंडी ले जाते थे आधे किलो ले जाएंगे, या जो एक किलो आलू ले जाते आधे किलो ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि दाम बढ़ गया। क्योंकि वस्तु और सेवाओं के लिए हमें ज्यादा कीमत चुकानी होती है। बढ़ते दाम के प्रभाव को रोकने के लिए हम लोगों में ये प्रवृत्ति टेंडेंसी देखते हैं कि वे अपने उपभोग के स्तर में कटौती कर लेते हैं। देखिए, 20 रुपया चीज हो गया 40 रुपया किलो, तो एक किलो के जगह पर अब हम लोग क्या होंगे, 20 रुपया ही हमारे पास है तो आधा किलो ले लेते हैं, तो हम कटौती कर लेते हैं उपभोग के स्तर में, जिससे उपभोग पर होने वाला खर्च कम हो जाता है। इसी तरह जब कीमतें नीचे गिरती हैं तो इसके ठीक विपरीत परिस्थितियां बनती हैं। दूसरी तरफ मुद्रास्फीति इन्वेस्टमेंट के खर्च को बढ़ा देती है। क्यों? क्योंकि रुपये वित्त की लागत कम हो जाती है। और आप देखोगे मुद्रास्फीति उधार लेने के लिए फायदेमंद है, इसे इन्फ्लेशन प्रीमियम के तौर पर जाना जाता है। रुपये की कीमत कम होने की स्थिति में हालात ठीक विपरीत ठीक है होते हैं। नेक्स्ट,